तूने भी बेश को कितना तड़पा, ओके सो गाइज अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज अभी के टाइम पे आप लोगों ने कुछ इस टाइप की जो वीडियो है अपने इंस्टाग्राम के अंदर तो जरूर से देखा होगा, और देखा होगा तो यार आप लोगों को पता ही होगा कि अभी के टाइम पे कुछ इस टाइप की जो वीडियो है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड एक भाई ने भी मेरे को सजेस्ट किया था कि यार इस वीडियो का कम्प्लीट ट्यूटोरियल लेकर आओ, तो फाइनली भाई आपके लिए और आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो का कम्प्लीट ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर गाइज मैंने आपको सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया है ताकि इस वीडियो को आप लोग देख के आराम से सीख पाओ कि इस वीडियो को आखिर एडिट कैसे करना है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है इस वीडियो को एडिट करना। अब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो अभी यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर ना आप लोगों को अपना अलाइट मोशन ओपन कर लेना है, क्योंकि आपको पता है इस टाइप की जो वीडियो है वो अलाइट मोशन के अंदर ही एडिट होगी। तो यहाँ पर हमने अलाइट मोशन अपना ओपन कर लिया है। अभी सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 9:16 रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे गाइज इतना मैं कर देता हूँ, अभी सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और मीडिया पर चले जाऊंगा। मीडिया पर जाने के बाद गाइज आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना जिसका आप लोग सॉन्ग अलग करके उस सॉन्ग पर वीडियो बनाना चाहते हो। तो जो आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा है ना उसी वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, क्योंकि इसी वीडियो का मेरे को सॉन्ग चाहिए। तो वीडियो को ऐड करने के बाद अभी वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना, सबसे ऊपर देखो यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना। इतना करने के बाद अभी आपको वीडियो पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा सॉन्ग है वो आ चुका है। अभी गाइज आपको क्या करना है कि सिंपल से जो यहाँ पर मैं आपको बीट बता रहा हूँ, अगर आप इस सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पर जो बीट है ना इसी बीट पे आपको अपना जो है लगा लेना है, ठीक है, अपने फोन में। अगर आप अदर सॉन्ग पर बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से बीट लगा सकते हो। वैसे जो ये वाला मेरा सॉन्ग है उसके हिसाब से मैं अपना बीट जो है उसको मैं लगा ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7:15 पे रहेगा एक और लास्ट रहेगा हमारा 11 सेकंड, ठीक है। तो 11 सेकंड पे आके एक बीट यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको बीट लगा लेना है, आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगा लेना। यहाँ पर मैंने अपना बीट लगा लिया है। अब सिंपल से मैं क्या करूंगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, मीडिया पर जाऊंगा और यहाँ पर गाइज एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर आप मतलब जिस फोटो को आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक फोटो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा और इस बैकग्राउंड वाले फोटो को सबसे एंड पे कर दूंगा, ठीक है, मतलब लास्ट तक कर दूंगा यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो लाइट है फोटो का वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो लाइट कम करने के लिए अभी मैं फोटो वाले लेयर पे क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग पे जाऊंगा और ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसका जो यहाँ पे है ना इसको मैं रख दूंगा ज्यादा नहीं, इसको 50% रख दूंगा और बैक करूंगा। बैक करने के बाद फिर से ब्लेंडिंग पर जाऊंगा और यहाँ पर लाइटन पर जाने के बाद इसको स्क्रीन कर दूंगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा डार्क हो जाएगा यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर लेना, ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। अब गाइज आपको अपना फोटो एनिमेशन बनाना है, आप लोगों ने जैसा कि प्रीव्यू पे देखा है, तो उसको बनाने के लिए गाइज अभी आपको सिंपल से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट कर लेना है। शेप सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एडिट शेप पर जाना है। एडिट शेप पर जाने के बाद यहाँ पर एक्स पे क्लिक करना और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है इसका वैल्यू रखना है 560 एंड वाई पे आ जाना, वाई को आपको रखना है 220, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका शेप बन जाएगा, ठीक है, एंड इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइज अभी क्या करना है, इस पे क्लिक करना और इसको यहां से क्या करना है गाइज, यहां पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना। अब डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर वाला जो लेयर है आपका जो डुप्लीकेट है इसको आप बंद कर देना यहां से, ठीक है, इसके लेयर को। अब सेकंड वाला जो लेयर है आपका फर्स्ट में जो सबसे नीचे रहा इस लेयर पे क्लिक करना शेप वाले पे और कलर एंड फिल पर आ जाना और यहां से ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना। अब यहां से आपको कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट बनाना होगा, ठीक है, जैसा कि यहां पर देख सकते हो। अब इसको जितना ज्यादा इधर खींचोगे उतना ज्यादा आपका ग्रेडियंट यहां पर बनेगा, ठीक है। तो मैं कुछ इतना रखूंगा, मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से रख लेना। अब थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ सेंटर पे, इतना सही है मेरे लिए। अब मैं क्या करूंगा, फिर ब्लैक कलर पे क्लिक करूंगा, यहां पर देख लो, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर पे क्लिक करना। अब यहां से आप क्या करना है, यहां पर आ सकते हो और यहां से जो कलर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं हल्का सा ब्लू टोन में थोड़ा सा रखूं क्योंकि फोटो थोड़ा ब्लू टोन है मेरा, तो मैं ब्लू टोन हल्का सा कर दूंगा, आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो मैं ये वाला कलर रख दिया हूँ एंड इतना करने के बाद व्हाइट पे आएंगे और व्हाइट पे आने के बाद यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, व्हाइट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के
बाद इसका जो कलर है इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद बैक करेंगे, एंड बैक करने के बाद गाइज यहाँ पर देखो हमारा इधर फेड बन गया होगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से पे ना गाइज अभी आपको फर्स्ट फोटो सेलेक्ट करना है। फर्स्ट फोटो सेलेक्ट करने के बाद ना फोटो को पकड़ के इसको यहाँ पर लेके आना है, ठीक है, अपने ये दोनों लेयर के नीचे। अब इस पर क्लिक करना फोटो पे एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना। अब इसको छोटा करना फोटो को, ठीक है। छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया से आप यहाँ पे सेट कर देना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से ऊपर वाले को मर्ज कर देना है, सॉरी मर्ज नहीं करना है भाई, इसको जो है ना इसको वापस से खोल देना है, ठीक है, जो आप लोगों ने इसको बंद करके रखा होगा। तो अब आपको इस पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पर चलना है, सबसे नीचे जाओगे यहाँ पर मास्क मिलेगा, मास्क पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से कर देना, मास्क पे क्लिक करके, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, इन तीनों लेयर का जो लेंथ है इसको पूरा आपको वीडियो के एंड तक कर देना है, ठीक है, जहां तक आपका सॉन्ग है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अब गाइज आपको क्या करना होगा कि सिंपल से अब आपको अपना लिरिक्स लिखना होगा। तो लिरिक्स कैसे लिखना है, इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर गाइज आपको अपना जो लिरिक्स है, जो भी सॉन्ग पर आप बना रहे हो तो आपका जो अलग लिरिक्स होगा तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिरिक्स लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर है मेरा तू जो मिली, इतना लिखूंगा, रोबोटो रेगुलर पे आऊंगा और यहाँ पर मैं अपना जो फॉन्ट है ऐड कर लूंगा, आप अपने हिसाब से अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद यहाँ पर मैं कलर पे जाऊंगा और यहाँ से इसको व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से डन कर दूंगा। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से बड़ा करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से, आप अपने हिसाब से देख लेना साइज में, एंड इसको यहाँ पे ले जाके कुछ इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। एंड इसकी भी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक रख देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें अपने टेक्स्ट में एनिमेशन डालना है, सॉरी बोले तो अपने लिरिक्स में एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए आपको अपने लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है और सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना, देन अभी आपको रेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक प्लस का की फ्रेम लगा देना है एंड थोड़ा सा आगे आना है और पूरे बीट पे मत जाना, यहाँ पर रहना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रहना। और अभी आपको ना इसकी जो स्टार्टिंग का है, ये स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है इसको पूरा 100 कर देना, नीचे आना, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके लेटर पे क्लिक करना, वर्ड कर देना एंड और नीचे आओगे अल्फा को ना -1 कर देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं बैक करता हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा लिरिक कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो लिरिक्स है वो एनिमेट होगा, ठीक है। अब जैसे ही अपना लिरिक्स लिख लेते हो, अब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड वाले फोटो को छोड़ के उसके बाद जितने भी फोटोज हैं लेयर सबको, आपको बैकग्राउंड वाले फोटो को और अपने सॉन्ग को इसको छोड़ के बाकी सबको आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कैसे करना है एक बार और देख लो, साइड से पकड़ के इसको ट्रैक करोगे तो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी आपको यहां से क्लिक करके इसको ग्रुप कर देना है, तो देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल से अपने फर्स्ट ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करना, यहां पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना। डुप्लीकेट करने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है, सिंपल से इस पे क्लिक करना है और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना और इसको एक लेयर को ना ऊपर कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं एनिमेशन भी डालना बताऊंगा कैसे डालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लेयर अपना जो लेयर्स है लिरिक्स है उसको सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है एंड ऊपर वाला भी जो है, बोले तो आपका सेकेंड वाला जो है इसको भी आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं कुछ इस तरीके से कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आना, ऊपर वाला जो लेयर है इसको क्लिक करके यहाँ पे इसको कट करना, फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लिया लेना, फिर आगे आना और इस पे क्लिक करके इसको भी कट लगाना और इसको क्या करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका एक लेयर नीचे कर देना कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आपको ना बीचों बीच रखने के लिए क्या करना है, ये रेड वाला जो लकीर आपको दिख रहा है ना, बस इस पे मिला के आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड फिर से आपको आगे आना है एंड फिर से इस पे, सॉरी यहाँ पर आते हैं, हाँ तो इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद फिर से डुप्लीकेट लेयर लेना है, उधर जाना है, ऊपर वाले पे क्लिक करके कट करना है और इसको भी सेम प्रोसेस है, इसको क्या करना नीचे लेकर आना, ठीक है, कुछ इस टाइप से, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही सिंपल है यार, आप लोग एक बार करोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे किस तरीके से करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जितना देखने में आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट ना, उतना है नहीं असल में, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब इस पे भी क्लिक करके इसका भी एक डुप्लीकेट करना, आगे जाना एंड इस पे क्लिक करके इसका एक मूव लेयर नीचे लेकर बस इसको नीचे ले जाके बस ऐसे छोड़ देना, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। और भी अगर आपके लिरिक्स थोड़ा सा लंबा है तो और नीचे ले जाना, बस कॉपी कर करके नीचे रख देना, फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे सेट करना है आपको, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह। हाँ, ऊपर वाले को हम कट नहीं किए हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर सब चीज कर दिए हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है वो देखो। अब ना आपको अपने सारे फोटोज को चेंज करना है और अपने लिरिक्स को चेंज करना है। तो फर्स्ट फोटो का टेक्स्ट और हमारा फोटो तो वही रहेगा, लिरिक्स और फोटो वही रहेगा। सेकंड फोटो पे आना और इस लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपल से एडिट ग्रुप पे आना है। एडिट ग्रुप पर आने के बाद अपने फोटो पे क्लिक करना और यहाँ पर क्या करना है आपको, कलर एंड फिल पर आना है। अब सिंपल से यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर देखोगे स्टाइल आइकन बना होगा, यहाँ पे क्लिक करना, आप अपने गैलरी के अंदर आ जाओगे। यहाँ से गाइज आपको क्या करना है, अपना सेकंड फोटो सेलेक्ट करना है और यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इजीली ऐड हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसको बढ़िया से आप सेट कर दो यहाँ पर, ठीक है। बैक करो एंड यहाँ से भी बैक करते हैं। अब आपको अपना लिरिक्स चेंज करना है तो लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट पर आओ, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो लिरिक्स है उसको कट करो और आपका जो आगे का लिरिक्स है उसको लिख लो। तो एक दिन मुझे, ठीक है, कुछ इस तरीके से है मेरा जो लिरिक्स है, मुझे कुछ इस टाइप से मैं लिख लूंगा एंड इसको मैं कर दूंगा ओके। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से ही बन गया। थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहते हो तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके थोड़ा सा पीछे कर सकते हो। अब सिंपल से यहाँ से बैक कर देंगे तो देखो हमारा कुछ इस तरीके से पहला फोटो हो गया और ये दूसरा चेंज हो गया ना। इसी तरीके से इस पे भी क्लिक करना है थर्ड वाले लेयर पे एंड यहाँ पर क्या करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, फोटो पे क्लिक करके कलर एंड फिल पर आना है और बस आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करके अपना जो सेकंड फोटो है उसको क्लिक करना और प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर जाना मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, इसको एडजस्ट कर लेना बढ़िया से, ठीक है। फिर से यहाँ पे आना है और आपको अपने टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पर जाना है और बस आपको जो है अपना लिरिक्स लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना सारे फोटोज में। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने जो है अपने इस लेयर्स में सारे फोटोज को चेंज करके अपने सारे लिरिक्स को एक एक करके लिख लिया है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको एनिमेशन डालना है, तो एनिमेशन डालना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। कैसे करना है वो यहाँ पर आप लोग देखो। तो अभी आपको आना है स्टार्टिंग में और अभी आपको जो ग्रुप वाला है ना, फर्स्ट वाले ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करना एंड यहां पर आ जाना आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद अभी आपको एक की फ्रेम यहां पर लगा देना है एंड एक बीट पे चलना है और एक की फ्रेम यहां पर लगा देना है। फिर से स्टार्टिंग में आना है और अभी आपको ना इसको पकड़ के पूरा कुछ इस तरीके से ड्रैग करके नीचे लाना है, ठीक है। यहां पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से पूरा नीचे लाके नीचे पूरा छिपा देना, ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा आगे आना और यहां पर आना ग्राफ में और ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देना है। यहां पर देख लो किस तरीके से मैं दे रहा हूं, कुछ इस तरीके से ग्राफ देके यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करके यहां पे कॉपी कर्व कर लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बन जाएगा, यहां पर ये देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आगे आना और इस पे क्लिक करना और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना, की फ्रेम लगाना, आगे जाके यहां भी की फ्रेम लगा देना, ठीक है। एंड फिर से यहां पे क्या करना है आपको, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके पहले इसको नीचे तो कर ले। हाँ, तो इसको भी नीचे की तरफ ले जाके फेंक देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब सारे फोटो के साथ यही करना है। अब आगे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, ग्राफ जो आप लोगों ने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे सेम तरीके से दे सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा एनिमेशन देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, थर्ड वाला जो है इस पे भी आना, यहाँ पे क्लिक करना ग्रुप वाले लेयर पे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना, एक की फ्रेम यहाँ पर लगाना और एक की फ्रेम बीट पे लगाना। बीट पे लगाओगे ना तो डायरेक्ट इनमें इनमें बस क्लिक करोगे तो आप बीट बीट पे जाओगे, ठीक है। तो सेकंड की फ्रेम लगा के आप फिर से स्टार्टिंग में आना है एंड इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। और ध्यान रखना बीच में जो रेड वाला लाइन है वो आपका मिला होना चाहिए, ठीक है। रेड वाला लाइन मिला रहेगा तो सेंटर में रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। करने के बाद अब बीच में आना, ग्राफ पे जाना, यहां पर कुछ इस तरीके से ग्राफ बना देना, ठीक है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो समझ गए होगे किस तरीके से करना है, देखो कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। ओके, तो यहां पर देख सकते हो गाइस मैंने जितने फोटो दिख रहे थे ना वो सारे फोटोज में कुछ इस तरीके से ग्राफ लगा के एनिमेशन डाल दिया है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो इतना गाइस अभी मैंने कर दिया यहां पर। अभी जो फोटो नीचे हैं, जितने भी अगर आप भी अपने फोटो को कुछ नीचे छुपाए हो, जैसे ये वाला लेयर वाला फोटो
जो है वो नीचे है, बट हमको तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये वाले फोटो को भी मैंने कर दिया, यहाँ पर सिर्फ मेरा एक फोटो बचा है। तो और भी अगर आपके फोटो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम करना जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, ठीक है। लास्ट वाला जो फोटो एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो नीचे वाला फोटो है जो दिख नहीं रहा है उस पर आपको ये एनिमेशन नहीं देना है, उसको दूसरे तरीके से एनिमेशन देना है। कैसे देना है वो यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपको स्टार्टिंग में आना है, आने के बाद अब गाइज यहाँ पर आपको नल के ऑप्शन से खेलना होगा। मेरे चैनल पर नल का जो है ट्यूटोरियल पहली बार आ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करना क्या है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आना है आपको ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पर आने के बाद यहाँ पर नल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे एंड में आना और इसको नल वाले ऑप्शन को पूरा एंड में रख देना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसका जो लेयर है पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर लास्ट में ही रहना और सबसे नीचे वाला जो ग्रुप लेयर है इस पर क्लिक करना। सबसे ऊपर देखो ये वाला एक आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लो, इस पर क्लिक करके नल वन से इसको जोड़ देना, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले ग्रुप लेयर पे क्लिक करना, सेम प्रोसेस, नल वन से कनेक्ट कर देना। एंड एक दो तीन, ये तीसरा वाला लेना, इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। एंड एक दो तीन, ये चौथा वाला, ठीक है, चौथा पे लेना, इस पे क्लिक करके नल वन, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला एक दो तीन चार पांचवा है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करके नल वन, ठीक है। मतलब पांचों लेयर को आपको, ग्रुप वाले लेयर को नल वन से कनेक्ट कर देना होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। तो नल वन के अंदर बहुत ही ज्यादा स्मूथ एनिमेशन बनता है, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल कभी लाऊंगा, अगर कॉमेंट करोगे तो और जल्दी ले आऊंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इतना हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। अब इतना जैसे ही हो जाता है, अब आपको जो नीचे वाला जो फोटो छुपा है उस पर एनिमेशन देना है। तो उस पर एनिमेशन देने के भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले ना ये वाला जो फोटो है इसको क्या करना, यहां पर आना और इस पे क्लिक करना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अभी आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहां पर एक की फ्रेम लगाना है, एंड आ जाना है आपको यहां पर। अब यहां पर आने के बाद यहां पे भी एक की फ्रेम लगा देना, फिर से आ जाना स्टार्टिंग में। मतलब जैसे आप ग्रुप वाले के लिए लेयर छेड़ रहे थे ना, सेम करना है। अब इसको पकड़ के ऊपर की तरफ कुछ इस टाइप से आपको ड्रैग करना है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। और कब तक करना, जब तक आपका जो नीचे वाला लेयर है वो अच्छे से दिखने ना लग जाए। तो अब देखो यहां पर बढ़िया से दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब बैक करना, सॉरी एक चीज और करना, यहां पे आके इसमें ना ग्राफ ऐड कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। ग्राफ ऐड करने के बाद बैक करना, ठीक है। अब आपका ये थोड़ा सा नीचे हो गया, यहां पर देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब आपको क्या करना होगा कि अपने इस जो लास्ट वाला जो ग्रुप लेयर था इस पे क्लिक करना और पीछे आ जाते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाते हैं, अच्छे से दिखेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। हाँ, तो अब आ चुके हैं यहां पर। अब क्या करना, आप यहां पर आने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना और इसको ना पकड़ के, सॉरी यहाँ पे इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना, ठीक है। स्पेस दे देना जितना जितना सारे फोटोज के बीच में स्पेस दिए हो, ठीक है। अब आपको सेम प्रोसेस करना होगा, की फ्रेम लगाना है, लास्ट में आना है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है। अब यहाँ पर आके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है कुछ इस टाइप से, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आना है और ग्राफ पे जाना है और इस तरीके से आपको ग्राफ डाल देना है, बस सिंपल। अब यहाँ पर देखो आपका कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से गाइज आप एनिमेशन बना सकते हो। अब अगर मैं वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर गाइज आप वीडियो देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपका वीडियो बन जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से गाइज आपको अपनी वीडियोस को बनाना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। होप सो गाइज आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोग इस टाइप की वीडियो को बना सकते हो। अब अगर और भी आपके लेयर्स हैं तो आप नीचे लेयर्स को लगा सकते हो लाइन से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हो। और अगर इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो यार आप बिंदास मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो को सेव करने के लिए, अभी आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर देना है, और बस ये वीडियो जो है आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।